गुना शहर के कुमार मोहल्ले में रहने वाला अशरत बेग पुत्र आगिम बेग अपने पिता के साथ जिला कलेक्टर पहुंचा। उसने कलेक्टर से अध्ययन स्कूल पेंसीडेंसी हाई सेकेंडरी स्कूल की शिकायत की, जिसमें उसने बताया कि स्कूल द्वारा उसे जबरन स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, जबकि वह पढ़ना चाहता है, और उसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट थमा दिया। अब इसमें उसका साल बर्बाद होने की कगार पर है। छात्र कक्षा 7वीं की उत्तीर्ण कर अब 8वीं में प्रवेश किया है और संपूर्ण स्कूल सामग्री जैसे किताब ड्रेस आदि ले ली है, लेकिन बेवजह उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। अर्शद बेग तलैया मोहल्ला कुमार जी, स्कूल वालों ने मुझे टीसी दे दी रेजिडेंसी हायर सेकेंडरी स्कूल। हाँ, और वो ये बोलते कि फीस भी सामने सब बढ़ दी, फिर भी हम लोगों को उन्हें परेशान करते हैं और टीसी दे दी, और मेरे तो कहते कि तुम लोगों को स्कूल से निकाल देंगे। तो फिर जब बाद में वो कुछ बातें करते रहते हैं और हम उनसे मतलब सब बात हमारा मतलब पेपर वेपर सब अच्छे गए, मार्कशीट भी अच्छी आई, और जो लोग हमसे बातें बातें बोलते रहते हैं दीपावली में मैं और वो ये कहती हैं कि हम लोग तो आपको निकालेंगे, सब बच्चों को जो जो परेशान करते हैं ना उन बच्चों को निकालना। नहीं ना, ये अभी कुछ बात ही नहीं ऐसी हम लोगों में, मतलब हम पढ़ा अभी तो 4-5 दिन हुए स्कूल जाना, वो जैसी कोई बात ही नहीं है। अब हम कहाँ पर जाएंगे, हमारी साल बर्बाद हो जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, 8वीं बोर्ड है हम लोगों की, चक्कर में अब वो अभी बात करेंगे प्रिंसिपल सर से, अब वो बात करेंगे बताएंगे वो बात करेंगे। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।